फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज डेट है 25 जुलाई 2022 और आज हम जा रहे हैं पालीताना की ट्रिप पे। तो चलिए निकलते हैं। 8 बजे का टाइम है और हम अभी घर से निकल गए हैं। तो हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि अभी वहाँ पे जाने के लिए बस से जाएंगे तो हमें जो भी रूट कवर करना है वो नहीं हो पाएगा। भावनगर से 18 किलोमीटर दूर खुड़ियार मंदिर स्थित है, जो बहुत बहुत दूर दूर तक उसकी नामना फैली हुई है। तो हम आज आपको वहाँ की मुलाकात करते हैं। 18 किलोमीटर दूर स्थित खुड़ियार मंदिर है और वहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे गाय वगैरह जा रही है और हम पहुँच गए हैं खुड़ियार मंदिर। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा भी, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है। और यहाँ पे मैप वगैरह लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो टूरिज्म के लिए। और पीछे देखिए पहाड़ी वगैरह कितनी अच्छी लग रही है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। भावनगर के महाराजा के टाइम का ये मंदिर, महाराजा कृष्ण कुमार जी के जो पूर्वज है उनके दौरान यहाँ पे खुड़ियार माता की मंदिर की स्थापना की गई थी और आज भी उनका ट्रस्ट चला रहा है। अभी जो भी ये मंदिर वगैरह जल रहा है वो उन लोगों का ट्रस्ट की ही ए प्राइवेट ट्रस्ट है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी संचालन नहीं किया जाता है। और यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है, पार्किंग में रख के हम यहाँ पे आ गए हैं मेन गेट पे। यहाँ से एंटर होते हैं हम माता जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे अभी आज लोगों की भीड़ कम है, लेकिन आप संडे को आते हो तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको मतलब शूट करने का तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन और भी बहुत भीड़ होती है। सो हमें चलने के लिए भी दिक्कत होती है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, आपको जो भी चीज़ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे प्रसादी, लापसी, सुखड़ी वगैरह यहाँ की प्रख्यात है। और सीहोर का जो थाबड़ी पेड़ा है उसका भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और आपको जो भी सामान वगैरह यहाँ से चाहिए, जैसे मतलब कोई टूरिज्म स्टोर, टूरिज्म जो भी होता है, टूरिज्म की जगह पे जो भी स्टॉल लगाए होते हैं वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अभी कुछ कुछ स्टॉल खुले भी नहीं है, क्योंकि हम अभी कितने बजे, 10 बजे है और आज अभी संडे नहीं है, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। कल ही गया है सो आज लोग आराम कर रहे होंगे, इसीलिए अभी उसका स्टॉल बंद है। अभी कुछ कुछ स्टॉल तो 24 घंटे खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल चल के आते हैं बहुत बहुत दूर से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल रात को भी खुले होते हैं। लोग आपको, हम भैया जी हमें बुला रहे हैं, यहाँ से प्रसादी ले लो, ऐसा देख सकते हो आप, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, सब लोग देखे खड़े होकर आ रहे हैं। और ये देखिए भाई साहब, हम पहुँच गए हैं माता के मठ, खुड़ियार मंदिर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे चप्पल निकाल के अभी अंदर जाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे मतलब बड़ा त्रिशूल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे पूरी तरह मतलब चारों ओर यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्लावर का स्टॉल है और ये चप्पल वगैरह रखने के लिए ऊपर देखिए धजाए। चलिए तो हम दर्शन कर लेते हैं।
ये जो साइड में आप देख रहे हो तातनिया धरा है, यहाँ पे अगर बारिश भी नहीं होती है तो यहाँ पे कभी भी पानी कम ही नहीं होता है। और साइड में एक कुआँ भी है, मैं आपको अभी कुआँ भी दिखाई देती हूँ। अभी ये देखिए, ये जो जो पूरा तातनिया धरा बोलते हैं, और इसमें मगर वगैरह भी है, और यहाँ पे अंदर जाने के लिए मना कर दिया है, यहाँ पे बांध दिए गए हैं, क्योंकि लोगों को बोलने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ही आगे चले जाते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए यहाँ पे सब कवर कर दिया है। और इसमें मछलियाँ वगैरह रहती है और मगर भी बोलते हैं। और ये देखिए कुआँ है यहाँ पे, इस कुएँ की मान्यता है कि यहाँ पे लोग सिक्के डाल के, मतलब क्यों डालते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें सिक्के दिखाई दे रहे होंगे, सब लोग यहाँ पे डालते हैं। जैसे हम नदी में सिक्के डालते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी लोग सिक्के डालते हैं, हम भी डाल देंगे, क्या हो गया उसमें। तो इस कुएँ के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, यहाँ पे कुआ जो है वो उसकी मान्यता ऐसी है कि मतलब कभी इसका पानी ख़त्म नहीं होता है। और सुबह सुबह के टाइम आप लोग आओगे तो यहाँ पे सुबह का कुएं में से पानी बाहर आ रहा होता है, और पानी बाहर ऐसे ही मतलब ये जो मैं खड़ी हूँ वहाँ पे भी पानी पूरा होता है। और ये देखिए हमने सिक्का डाल देते हैं, कहते हैं कि जिन जो लोग सच्चे मन से डालते हैं तो उन लोगों का जो सिक्का होता है वो तैरता है। और चलिए हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर रोपवे भी है और यहाँ पे दर्शन वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पीछे देखिए आप रोपवे देख सकते हो, यहाँ पे छोटे बच्चे का 10 रुपीज़ है और बड़े लोगों का 20 रुपीज़ है। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हम आपको एक दूसरी जगह पे, सीक्रेट जगह पे लेके जाने वाले हैं, और वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कितना अच्छा वहाँ पे लोकेशन है। लोग बहुत सारे यहाँ पे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरा रास्ता ही बन गया है। मैं तो यहाँ पे पहले गई नहीं, लेकिन सब लोग जा रहे थे, इसीलिए चलिए मैं भी चलते हैं। रुको, ये देखिए भाई साहब, यहाँ से नज़ारा देखिए आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर चलते हैं आगे। चलिए मैं तो आगे आगे चल रही हूँ, मेरी फ्रेंड जो है उसे मैं अपने साथ आज ले लिया है, क्योंकि अभी मैं अकेली तो ये सब शूट नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा। और अकेले इतने दूर गाड़ी लेके जाना थोड़ा और रिस्की मुझे लगता था, और मेरा ये फर्स्ट बार चल रहा है, इसलिए मुझे तो किसी को ले ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए रास्ते बहुत थोड़ा अंदर है, आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक हमें जाना है। और ये देखिए वहाँ से पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता भी दिखाई दे रहा है, और दूसरा रास्ता भी। कुत्ते लोग हमें क्यों घूर रहे हैं भाई, साथ में चलने का इरादा है क्या? चलिए थोड़ा जल्दी चलते रहते हैं, क्योंकि अभी बारिश भी होने वाली है। छाता तो हम साथ में लाए हैं, लेकिन अभी साथ एक छाते का क्या होने वाला है वो तो मुझे ही पता है। चलिए हम पहुंच गए यहाँ पे, और ये दो रास्ता है, और एक सीढ़ी वाला और एक सादा है, तो हम जाते हैं छाते रास्ते से और उतरेंगे सीढ़ी वाले रास्ते से। तो चलिए मेरे पीछे पीछे आ जाइए। तो ये छाता मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेनकोट नहीं लाए हैं, गाड़ी में पड़ा है, तो कुछ तो साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो हमें कुछ तो अपनी सेफ्टी के लिए रखना पड़ेगा। और ये देखिए हम मंदिर तक पहुँचने वाले हैं, पूरा पूरा जो है ढलान वाला रास्ता है, तो यहाँ पर थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा, कभी भी फिसल सकते हैं, और फिसले तो सीधा तालाब में जाएंगे। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पे ये देखिए खाना वगैरह रखा है पक्षियों के लिए, और ये मंदिर है, यहाँ पे गिरनारी ऐसा कुछ लिखा है, गिरनारी और भवनाथ ऐसा लिखा है। और यहाँ पे कोई साधु, हमें जब दूर थे ना तब वहाँ से यहाँ पे एक साधु दिखाई दे रहे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा नहीं है, और अभी कोई है नहीं, एक दो मतलब थोड़े बंदे यहाँ पे आए थे, वो लोग तो चले गए हैं अभी। और ये देखिए यहाँ पे गिलहरी भी दिखाई दे रही है, और कुछ खा रही है, क्या खा रही है? हेलो हाय, कैसी हो आप? हेलो हाय हाय हाय, अरे भाग कहाँ रही हो? हाय बोल रही हूँ, कहाँ जा रही हो आप? हम लोग आए हैं तो थोड़ा मुलाकात कर लो। और ये देखिए यहाँ पे पक्षियों के लिए पानी वगैरह भी रखा है, और देखिए भाई साहब ये रहा, ये देखिए यहाँ पे है, दूसरी है या यही वाली है, उसे भी हाय बोल देते हैं। हाय हेलो, कैसी हो? हेलो हेलो,
अरे भाई साहब, ये तो सामने भी नहीं देख रहे। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, हम तो थोड़ी देर के लिए आए हैं आपकी जगह पे, फिर आपको ही रहना है, हमें कहाँ रहना है। तो भाग गई। चलिए हम थोड़ा शूट कर लेते। ये जो हनुमान जी का मंदिर मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है। पेड़ वगैरह पे अभी चुन्नी वगैरह बांधी हुई है, इसीलिए मुझे तो यहाँ पे बैठने के लिए भी डर लग रहा है। पता नहीं क्या क्या यहाँ की मान्यता होगी, मैं लोकल लोगों से यहाँ तक मिली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे थी एक लेडीज, लेकिन वो भी अपने गाँव में चली गई है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई हूँ। लेकिन कोई नहीं, चलिए हमसे होता है उतना शूट करके अभी चलते हैं, क्योंकि हमें और भी जगह। और ये हम पूरा घूम के आ गए हैं, अभी हम नीचे उतर रहे हैं, दूसरी जगह से उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरी साइड पे जहाँ पे प्रसाद घर है वहाँ पे निकला जाता है, पानी वानी पी लेते हैं और अब यहाँ से पिकअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया तो अभी दूसरी जगह पर जा नहीं पाएंगे। तो चलिए यहाँ से अभी निकलते हैं, पानी पी लिया है मैंने और यहाँ की थोड़ी बहुत जगह मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह, मतलब जो भी लोग यहाँ पे पुण्य का काम करने आते हैं, जो भी हमारी उसकी मान्यता थी, मान्यता जो होती है वो पूरा करने आते हैं, तो यहाँ पे लोगों को रहना खाना वो सब इसके लिए एक जगह है। खाना खाने के लिए हॉल है पूरा, हर लोगों को यहाँ पे देखना है। और जब संडे के दिन हर लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, तो उन लोगों के लिए विश्राम के लिए भी यहाँ पे सब सो जाते हैं। और संडे की रात हम अगर आते हैं
तो यहाँ पे इतने लोग सोए हुए होते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंड, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, क्योंकि थक के आते हैं तो सब ऐसे ही सो जाते हैं। और ये दुकानें शॉपें वगैरह आप देख लीजिए। और अभी हम यहाँ से चलने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से अभी पिकअप करते हैं और हम दूसरी जगह पे जाना है। अभी गौतमेश्वर चलेंगे और उसके बाद पालिताना के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए अभी धीरे धीरे यहाँ से चल लेते हैं, अपना गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। और पीछे अभी खाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी पीछे यहाँ पे पीछे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ पे बगल में भोजनालय भी है, वहाँ पे फ्री में सबको खाना खिलाते हैं प्रसाद के तौर पे। और अभी हम गाड़ी पे पहुँच गए हैं, तो चल